हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का थर्सडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल फ्राइडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अपन है बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज एक अपन को गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद 15 मिनट एक रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी, और जैसी रेंज का ब्रेकडाउन हमें जो कि लो लेवल था फर्स्ट 5 मिनट की लो लेवल कैंडल, और जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है वहां से एक अपन को बहुत अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला अराउंड 530 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये रेंज को मार्क किए होंगे या फिर यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किए होंगे जो कि इस तरीके से अपन बना सकते थे, तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें 15 मिनट देखने को मिला, और जो कि 930 वाली कैंडल से वहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला और एक हमें बहुत अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद एक हमें फिर से वॉलेटाइल मोमेंटम हमें बीच में अराउंड 12 बजे के आसपास देखने को मिले, और जो हमें सेकेंड हाफ में अराउंड 2 बजे के बाद ये जो रिकवरी देखने को मिली है, एक बहुत अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली है जिसको अपन इस ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर कर सकते थे। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला 2:20 से, वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छा 1 वे मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला है। साथ ही साथ एक अपन को यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिल रहा था, तो इस चार्ट पैटर्न को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिला था, और जैसे ही चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन या फिर बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छा 1 वे मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला है जो कि है था अराउंड 522 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये ट्रेंड लाइन मार्क किए होंगे या फिर इस चार्ट को आइडेंटिफाई किए होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला होगा। और लास्ट में बैंक निफ्टी क्लोजिंग अराउंड 47,977 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है, मतलब कि 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल के जस्ट नीचे में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये था बैंक निफ्टी का थर्सडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो मैं आज की कैंडल देखने वाली है वो एक अपन को बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अपन को देखने मिलेगा अपसाइड में वो है 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो एक हमें यहाँ से बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि अराउंड 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। डाउनसाइड के मोमेंटम की बात करें तो अब डाउनसाइड का मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगा जब 47,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने को मिले, तो एक हमें डाउनसाइड में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें का सीधा टारगेट 46,580 तक के देखने को मिल सकता है। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मोमेंटम करें, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मोमेंटम आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसे क्या मोमेंटम और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में बैंक निफ्टी के, और जो इंपॉर्टेंट लेवल अब जो अपन को अप साइड में देखने को मिलेगा पहले वो रहेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 48,050 का साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है कल के दिन, तो एक हमें यहाँ से बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 48,260 का लेवल, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाले स्विंग लेवल तक का देखने को मिल सकता है जो कि अराउंड 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 48,657 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा फिर सीधे 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 48,050 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बेरिश मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करे जो कि अराउंड 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस लेवल के नीचे मोमेंटम करता है तो एक हमें यहाँ से डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,340 का लेवल, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधे 47,155 का लेवल, अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि अराउंड 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में। डाउनसाइड में अगर 47,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि अराउंड 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 47,500 के साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अपसाइड से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो अगर इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करेंगे और ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन हमें अपसाइड में देखने को मिल रही है।
वही अगर डाउन साइड में इस स्विंग लो से ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करेंगे और ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो डाउन साइड के लिए भी एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग की सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा या फिर कोई एक हमें रेंज बनती हुई देखने को मिलती है और उस रेंज के अंदर एक हमें कंसोलिडेशन एक देखने को मिलता है और जैसे ही उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स ट्रेंड लाइंस एजुकेशनल चार्ट्स और साथ में इंट्राडे के लिए पावर्ड स्टॉक्स की लिस्ट भी पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।